दोस्तों, आखिर जैसे ही अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन घर से बाहर हुए, तो जाने से पहले आखिर विकी जैन ने अंकिता को ऐसा क्या बोला है, ऐसी कौन सी बात बोली है, ये सुनने के बाद शायद जो विकी जैन के बहुत बड़े फैन हैं वो कहीं ना कहीं विकी जैन पर गर्व करना शुरू कर देंगे। आप इस खबर को सुनकर विकी जैन की तारीफ भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जाने से पहले घर के गार्डन एरिया में जब अंकिता लोखंडे के पति अपनी पत्नी अंकिता के साथ बैठे होते हैं, तो यहाँ पर एक बात बोलते हैं। वो उसी बात को सुनकर आप सब भी शायद हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर क्या बोला है विक्की जैन ने घर से बाहर जाने से पहले अपनी पति अंकिता को, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई है लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप सब इस खबर को नहीं जानते हैं, तो हम आपको ये बता देते हैं कि बिग बॉस 17 के घर से अब तक का सबसे बड़ा एलिमिनेशन हो चुका है, और ये एलिमिनेशन हुआ है अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन का। आपको बता दें कि जैसे विकी जैन घर से बाहर हुए, तो उससे पहले विकी अपनी पत्नी अंकिता के साथ घर के गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, और यहाँ पर वो एलिमिनेशन को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। और इसी बातों ही बातों में विकी जैन अपनी पत्नी अंकिता को बोलते हैं कि देख अंकिता, इस घर में पहले एपिसोड से मैं और तू आए हुए हैं, और अगर मैं इतने दूर जाकर अगर घर से बाहर होता हूँ, यानी अभी अभी मैं इस घर से बाहर चला जाता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर घर के अंदर जो कुछ करने के लिए आया हुआ था, अब मैंने वो कर दिया है। मुझे घर के बाहर कोई भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि विक्की जैन कौन है, विक्की जैन कैसा दिखता है। लेकिन मैं जब घर के अंदर आया, तो मैं ये सोच कर आया था कि जब मैं घर से बाहर जाऊँगा, तो लोग जब बिग बॉस 17 की बात करें, तो मेरा नाम भी उसमें लें। और अब मुझे पता चल चुका है कि बिग बॉस 17 को मेरे नाम से भी याद रखा जाएगा। अगर कोई विक्की जैन का नाम लेगा, तो उसे सीधा बिग बॉस 17 याद आएगा। और ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फिलहाल इस खबर में इतने वाले, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।